छोला तो आपने बहुत तरीके से बनाया होगा, बट इस तरह से आप बनाइए और तो आपको मज़ा ही आ जाएगी छोले भटूरे बनाने के लिए। बहुत ही इजी और मज़ेदार रेसिपी है, ट्राई ज़रूर करें। छोला बनाने के लिए सबसे पहले आप छोले को एक रात के लिए अच्छे से भिगो के रख दीजिए। ओवरनाइट अगर आप अच्छे से भिगो के रख देंगे तो बहुत ही अच्छे ही बनेंगे और जल्दी भी बन जाएंगे। फिर क्या, हम एक कुकर लेते हैं फ्रेंड, उसमें हम अच्छे से डाल देते हैं छोले जो हमने साफ़ करके अच्छे से रखे हैं। फिर इसमें 3 टमाटर डाले हैं फ्रेंड, मैंने एक बड़ा साइज का प्याज भी लिया है, उसको मैंने हाफ कर करके उसमें डाल दिया है फ्रेंड। तो इसके बाद हम इसमें डालेंगे, बहुत ही लाजवाब और टेस्टी सब्ज़ी बनती है। और मैंने अदरक का पिंच भी लिया है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप अदरक भी डाल सकते हैं। अदरक डालने के बाद मैंने 2 मिर्च हरी मिर्च ली है, फटाफट इसी में ही कुकर में ही सब चीज़ मसाले, हरी मिर्च भी मैंने दो दो खंड डाल दिया है काट के। फिर मैंने 7-8 लहसुन की कलियां भी ली हैं और मैंने भी इसी कुकर में अच्छे से इनको भी डाल दिया है। फिर 2 लाल मिर्च ली है फ्रेंड, लाल मिर्च मैंने इसलिए ली है क्योंकि हरी मिर्च हमारी तीखी नहीं है और जब ये ग्रेवी बनेगी तो फ्रेंड ये लाल मिर्च की वजह से बिल्कुल कलरफुल होगी। और फिर मैंने 1/2 चम्मच इसमें जीरा लिया है और 2 इलायची भी मैंने ली है। आप बड़ी वाली इलायची लेना चाहें तो ले सकते हैं, मैंने ग्रीन वाली इलायची ली है, काली मिर्च और लौंग भी ली है फ्रेंड। इसमें मैंने खड़े मसाले इसलिए डाले हैं, बहुत ही टेस्टी इसमें बनता है। 2 ग्लास मैंने पानी भी अच्छे से डाला है फ्रेंड, और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना, और 2 तेज़पत्ता भी मैंने इसमें डालना है, और हर चीज़ डाल के अच्छे से। इसमें घी मैंने इसलिए डाला है फ्रेंड जिससे कि ये उबाल आए तो हमारी सीटी के ढक्कन में सब लग जाता है, पर इसको घी डालने से ये फार्मूला आप अपनाओगे तो कभी भी आपके दाल भी बनाएं या कोई भी चीज़ उबालनी हो उसमें थोड़ा सा तेल या घी लगा के आप ढक्कन को बंद करके इसको 5 से 6 सीटी आने तक वेट मतलब चढ़ा दीजिए गैस पर फ्रेंड। फिर मैंने भटूरे के लिए आटा मैदा लिया है फ्रेंड, 2 कटोरी मैंने मैदा लिया है। इसमें भटूरे का सॉफ्ट डो रेडी करेंगे। फिर इसमें मैंने नमक डाला है और जितना नमक डाला उतना ही चीनी भी मैंने इसमें डाली है। इस तरह बनाएंगे बहुत ही सॉफ्ट और हल्दीराम के जैसे भटूरे फूले फूले बनेंगे। फिर इसमें मैंने 1 बड़ा चम्मच थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल भी डाला है, और इसमें ये देखिए अब इसमें है जो खाने वाला सोडा होता है तो वो मैंने सोडा भी डाला है जिससे कि फूले फूले और सॉफ्टनेस के अनुसार बने। और फिर मैंने इसमें घर का जमा हुआ दही भी डाला है। दही डालने से फ्रेंड क्या हो, ये फॉर्मेट भी बहुत जल्दी हो जाएगा क्योंकि मैंने इसमें बस 1-1.5 घंटे में ही मुझे ये छोले और भटूरे बनाने थे, इसलिए मैंने इसमें दही थोड़ा ज़्यादा डाला है जिससे कि ये सॉफ्टनर भी अच्छे से हो जाए। देखिए मैंने इसी तरह सारी चीज़ों को मिला के एक अच्छा सॉफ्ट डव रेडी करना है। आप अपना आटा आटा को अच्छे से गूंद के रेडी रखना है फ्रेंड। ये थोड़ा अगर आपका वो कम लगे दही तो इसमें आप थोड़ा सा गुनगुना पानी भी डाल लेना है जिससे कि आपका ये सॉफ्ट डो रेडी हो जाएगा आपका आटा बिल्कुल। देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी डाला है जिससे कि हमारा ये सॉफ्ट आटा रेडी हो जाएगा, देखिए कितना सॉफ्ट है। और ये मेरा जो भटूरे का आटा जो रेडी हो गया है इसको हम रख देंगे फ्रेंड एक साइड में, थोड़ा सा चिकना ऐसे फिंगर की सहायता से इसको ज़रूर कर लेना फ्रेंड। अगर आपको लगता है कि इसमें थोड़ा सा तेल लगा के रखने की ज़रूरत है तो आप तेल भी रख सकते हैं, बट फ्रेंड इसको थोड़ा सा ही हाथ फिंगर की सहायता से इसको गूंद लेना है और अच्छे से इसको लिड लगा के ही रखना, यही तो आप कपड़ा गीला करके भी रख सकते जिससे कि ये फॉर्मेट अच्छे से हो जाए। ये जितना ही फॉर्मेट अच्छा होगा उतना ही अच्छे सॉफ्ट फूले फूले भटूरे बन के रेडी होंगे। फिर मेरा जो मैंने छोले मेरे उबल चुके हैं फ्रेंड, ये नॉर्मल सीटी आने तक अपनी अपना गैस अच्छे से निकाल दे इस कुकर, तब उसी तब तक ही इसको अच्छे से मतलब निकालना है। देखिए मैंने ये मेरा बिल्कुल ठंडा हो चुका है कुकर, इसको मैं आसानी से ही इसको लिड के ढक्कन को अच्छे से निकाल लूँगी। इस तरह निकालने से क्या है, बहुत ही अच्छा खुशबू बहुत ही अच्छी आती है फ्रेंड। देखिए मेरा बिल्कुल निकल चुका है सीटी, इसमें नहीं है, इसलिए इस तरह से आप निकालना, बहुत जैसे आप ढक्कन खोलोगे इतना अच्छा कलर भी देखिए फ्रेंड बहुत अच्छा आया है। मेरे टमाटर के छिकले और प्याज भी बिल्कुल अच्छे से, सब चीज़ अच्छे से पक चुका है। आप अगर इस यूनिक तरीके से आप छोला बनाएंगे तो घर में जहाँ पे भी लोग होंगे वो दौड़ते हुए खुशबू से चले आएंगे फ्रेंड। तो इस तरह आप ज़रूर ट्राई करना। तो इन सब
जो भी हमारी ग्रेवी है, जो खड़े बड़े मसाले हैं फ्रेंड, इनको आप अच्छे से निकाल देना, क्योंकि ये क्या बहुत लोगों के मतलब जब खाते हैं तो लगता है, तो इसलिए इसको अच्छे से आप निकाल दीजिए। इनकी इनकी जो ज़रूरत थी वो फिर फ्रेंड, उसके बाद देखिए मैंने अदरक को एक उसमें निकाल लेना है, और हमारे जितने टमाटर और जो भी प्याज, जितने ग्रेवी के लिए मैंने सामान निकाला था वो सारे सामान डाला था फ्रेंड छोले के इसमें, वो सारी चीज़ें अच्छे से निकाल लेना है। देखिए मैंने टमाटर को अच्छे से निकाल लिया है, और अब हम सारे प्याज मिर्च हर एक चीज़ को निकाल लेंगे फ्रेंड। उसके बाद इसमें बहुत ही, क्योंकि सारे खड़े मसालों का फ्लेवर तो फ्रेंड आना था तो वो आ चुका है, और इस तरह से ही आप बनाएं खाएं और अपने अनुभव ज़रूर हमारे साथ शेयर करना फ्रेंड, क्योंकि ये यूनिक एक अलग तरीका है फ्रेंड। इस तरह से तो बहुत कम लोग बनाए होंगे फ्रेंड ये, क्योंकि ऐसे बनाने से क्या है फ्रेंड हमारा समय भी बचता है, और क्योंकि पहले ग्रेवी को पकाने, अभी ये ग्रेवी है फ्रेंड इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पकाने में भी, और ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी भी होती है फ्रेंड, क्योंकि इसमें तेल भी बहुत कम ही मात्रा में लगता है। तो इस तरह से सारे मसाले देखिए मेरे निकल चुके हैं, और जो भी इसमें ये छोला बचा हुआ है इसको ठंडा करके आपको एक पीस के रखना है फ्रेंड, इसको ठंडा करके पीस के आपको अच्छे से रखना है। देखिए मेरा सारा जो छोला है इस तरह से आप तो थोड़ा थोड़ा दबा देने से, ये क्या है हमारे गांव में इस तरह से टेक्निक है ये ज़रूर यूज करना है। इससे क्या है थोड़ा सा छोला गल भी जाता है और थिकनेस भी आ जाती है, थोड़ा सा गला हुआ है छोला थोड़ा सा और खड़ा हुआ है, इस तरह से आप ज़रूर करना फ्रेंड, इस तरह करने से बहुत ही थिकनेस आ जाती है। उसके बाद फ्रेंड हमारा जो ग्रेवी है वो हमारी ठंडी हो गई है, तो मैंने ये देखिए लाल मिर्च डालने से कितना अच्छा से इसका कलर आया हुआ है फ्रेंड, बहुत ही अच्छा कलर आया है और बहुत ही टेस्टी टेस्टी लग रही है। तो हम इसको एक साइड में रखते हैं फ्रेंड, इसके बाद हम कुकर को गैस पे चढ़ाते हैं और इसमें हमको थोड़ा गर्म होने देते हैं, फिर इसमें हम 3 3 चम्मच के करीब हम इसमें सरसों का तेल डालते हैं फ्रेंड। आप कोई भी रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं, आप चाहे तो घी में भी बना सकते हैं। फिर मेरा तेल गर्म हो चुका है, मैंने इसमें 1/2 चम्मच ही जीरा लिया है फ्रेंड, क्योंकि ज़्यादातर मैंने गर्म मसाले तो मैंने उबालने के टाइम ही छोला को उबालने और ये हींग भी लिया है उबालने के टाइम मैंने डाल दिया था, इसीलिए फ्रेंड इसमें अब ज़्यादा गरम मसाले मैं नहीं डालूंगी, बस जीरा और हींग ही डाला है। उसके बाद फ्रेंड इसको अच्छे से थोड़ी देर भून लेना है, क्योंकि हींग तो हमारे छोले के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है, क्योंकि छोला थोड़ा हार्ड खाना हो जाता है, इसलिए हींग डाइजेशन के लिए बहुत ही सही होती है, इसलिए इसको थोड़ी देर पकाना है। और बस इसके बाद हमारी जो ग्रेवी है उसको अच्छे से हमको इसमें मिला देना है फ्रेंड। देखिए इस तरह से आपको सारी ग्रेवी को ऐसे ही निकाल के इसमें डाल लेना है और इसको अच्छे से चलाते हुए इसको पकाना है फ्रेंड। पकी हुई तो वैसे भी है फ्रेंड, इस तरह से आप बनाओगे तो यकीन मानिए टाइम भी कम लगता है और बहुत ही टेस्टी और हेल्दी भी ये छोला बन के रेडी होगा। तो इस तरह से आप ज़रूर बनाएं, और इसमें बस थोड़े से मसाले, सूखे मसाले, हल्दी, धनिया पाउडर, ये गरम मसाला भी मैंने फ्रेंड डाल दिया है इसमें, और थोड़ा सा कसूरी लाल मिर्च ज़रूर डालें फ्रेंड, क्योंकि कसूरी लाल मिर्च डालने से क्या होता है इसका कलर बहुत ही अलग हो जाता है। देखिए कितना अच्छा और भी अच्छा कलर आ गया है। और ये मैंने थोड़ा सा एवरेस्ट का मैंने छोला मसाला लिया था फ्रेंड, इसको थोड़ी देर भिगो के मैंने पानी में रखा है, उसके बाद मैं इसमें अच्छे से मिला ली हूँ। अब इसको हम सीधा अपनी ग्रेवी में डालेंगे, बिना छोले मसाले के तो छोला बनना मतलब वो फ्लेवर नहीं आता है फ्रेंड जो आना चाहिए, इसलिए आप ज़रूर कोई भी आप ब्रांड का छोला मसाला ले सकते हैं, और इस तरह से आप छोले को थोड़ी देर भून लेना ज़रूर, क्योंकि फ्रेंड इसमें पानी मैंने डाला है तो इसको अभी थोड़ी देर के लिए पकाना बहुत ज़रूरी है। देखिए कितना अच्छे से सॉफ्ट सॉफ्ट ग्रेवी हमारी रेडी हो गई है फ्रेंड, तो इसको बस थोड़ा सा और पकाना है। उसके बाद हमारा जो छोला उबला हुआ छोला था ये पूरा वो पानी फेंकना नहीं है फ्रेंड, क्योंकि उसी पानी में तो फ्लेवर है, वही पानी को हमको इसमें डाल देना है फ्रेंड। देखिए हमारी ग्रेवी तो भरपूर मात्रा में अच्छे से हो गई है, अभी ये इसको बस अच्छे से चला लेना है, और नमक के टेस्ट के अनुसार नमक भी अच्छे से डाल देना है इसमें। और ये देखिए एक उबाल आ गई है फ्रेंड, इसके बाद हमको इसमें बस
अच्छे से इसको मिला के रख देना है। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें देख लीजिए फ्रंट थिकनेस ग्रेवी में, क्योंकि ये जब पकेगा तो इसके बाद ये फ्रंट, मैंने इमली का जो पल्प होता है वो मैंने थोड़ी देर भिगो के रखा है फ्रंट, क्योंकि मुझे चटपटा छोला बहुत पसंद है फ्रंट, और हमारे घर में चटपटा छोला ही खाते हैं। इसलिए उबाल आने के बाद फ्रंट इसमें थोड़ा सा जो वो इमली का वो था पल्प था फ्रंट, उसको भी डाल के इसमें डाल देना। उसके बाद ही मजे से ये बहुत ही टेस्टी छोला बन के रेडी होता है फ्रेंड। अब इसमें लिड लगा दीजिए और इसमें अब 2-3 सीटी आने तक ज़रूर इसको अच्छे से पका लेना है फ्रेंड। तो फ्रेंड आप देखिए मेरी से 2 से 3 सीटी लग गई है। वाओ, कितना अच्छे से हमारा छोला बन के रेडी हुआ है। ये देखिए कितना अच्छी ग्रेवी की थिकनेस भी है, और छोला भी देखिए हमारा ज़्यादातर गल चुका है फ्रेंड। तो अभी हमारा छोला बन के रेडी है। आप फ्रेंड इसमें हम डालेंगे हरा धनिया, क्योंकि बिना हरा धनिया के तो हमारा छोला अच्छे से सर्व नहीं होगा फ्रेंड, क्योंकि हरी धनिया तो हर सब्जी में पड़ती है। बिना हरी धनिया के सब्जी को देखने में भी मज़ा नहीं आती और खाने में भी नहीं मज़ा आती है। तो फ्रेंड इस तरह से आप इसको चावल के साथ या भटूरे के साथ अच्छे से खाइए, देखिए कितना अच्छे से, बिल्कुल मैं आपको जूम करके भी दिखा रही हूँ फ्रेंड। इस तरह से आप खाइए और बनाइए फ्रेंड। ये इस तरह से बनाने से क्या होता है फ्रेंड, इसमें टाइम भी नहीं लगता है। इसमें क्या है, ज़्यादातर हमारी ग्रेवी तो ये छोले के साथ ही पक जाती है, और हमारे एक पंथ दो दो काज हो जाते हैं फ्रेंड, है ना। क्योंकि ज़्यादातर तो ग्रेवी मैंने ये जो प्याज टमाटर मैंने छोले के साथ ही पकाया था, छोला के छोला पक जाता है और ग्रेवी भी हमारी अच्छे से पक जाती है। तो इस टेक्निक से आप छोला बनाओगे तो बहुत ही लाजवाब टेस्टी छोला बन के रेडी होता है फ्रेंड। तो इस तरह से आप ज़रूर बनाइए और खाइए, और अपने अनुभव हमारे साथ ज़रूर शेयर करना। तो इसको हम रखते हैं एक साइड में और हम बनाना शुरू करते हैं अपने भटूरे। देखिए हमारा आटा जो मैंने गूंद के भटूरे का आटा रखा था, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है और देखिए कितना अच्छे से फूल गया है फ्रेंड। ना ज़्यादा गीला है ना ज़्यादा टाइट है, सॉफ्ट के अनुसार इसको मैंने 20 से 25 मिनट के लिए इसको रखा था फ्रेंड। अब हमारा ये बिल्कुल भटूरा बनने के लिए रेडी है फ्रेंड। तो हम सबसे पहले इसकी लोइयाँ काट लेते हैं। ये टेक्निक है लोइयाँ काटने की, इसमें ज़रूर आप ध्यान देना। इस तरह से आप सारी लोइयाँ काट के रख लेना है, ऐसे ही एक एक करके सारी लोइयाँ जो मैंने हाफ आटा लिया है उसकी ही लोइयाँ काट लेनी है। तो मैंने इस तरह से सारी लोइयाँ काट के रख ली हैं। देखिए मेरी सारी लोइयाँ कट चुकी हैं। आप जिस हिसाब से छोटा बड़ा जैसे आपको खाना है वैसे आप कर सकते हैं इसको। आप परथन लगाइए, हमारे यहाँ धूरन भी इसको बोलते हैं। थोड़ा सा मैदे का मैंने लगाया, आपको ओवल कार में बनाना है तो आप ज़्यादातर होटल में तो इस तरह का लंबा से ही मतलब मिलता है, बट मैं गोल बनाऊंगी फ्रेंड। तो हमको ज़्यादातर भटूरे जितनी मैंने लोइयाँ बनाई है उतने मैंने मैं बेल के रख लूँगी फ्रेंड, क्योंकि मैंने तेल तो गरम रख करने के लिए रख दिया है, और तेल अच्छा खासा गरम होना चाहिए भटूरा बनाने के लिए फ्रेंड। तो हमारा तेल उधर गरम हो रहा है और हम इधर हम अच्छे से अपने भटूरे बेल के रख लेंगे, जिससे कि हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको तलने में। और जैसे एक लोग हैं तो बेल के रख लो, दो लोग हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एक लोग बेलते रहो और दूसरे लोग पकाते रहो। देखिए हमारा तेल गरम हो चुका है फ्रेंड। अब हम एक भटूरा लेते हैं और इसमें तेल गरम में ही डालना है। इस तरह से आप टैप करते हुए आप डाल सकते हैं, और इस तरह से अच्छे से आप भटूरा बनाइए। देखिए कितना अच्छे से भटूरा बन के रेडी हुआ है फ्रेंड। आप इसको दोनों तरफ अच्छे से पकाइए, बहुत ही आसानी से भटूरे हमारे सारे पक के रेडी हो जाते हैं। तो ये देखिए खुरखुरा खुरखुरा भटूरा बन के रेडी है। तो इस तरह से आप बनाइए इसको, अब हम निकाल लेते हैं। ये देखिए अच्छे से पक चुका है, अब हम इसको अच्छे से निकाल लेते हैं फ्रेंड। अब हम दूसरा भी भटूरा इसी तरह बना के दिखाएंगे। देखिए फ्रेंड ये भी अच्छे से पक रहा है, फूला फूला भटूरा। तो इस तरह से ही आप इसको बनाइए। देखिए दोनों तरफ टैप थोड़ा थोड़ा करते रहिए, जिससे कि हमारा भटूरा बिल्कुल ये थोड़ा सा फट गया है बट फिर भी अच्छे से फूल रहा है। तो इस तरह से ही हम आपको सारे भटूरे बना के रेडी रख लेने हैं, और हमारे अच्छे से कुरकुरे कुरकुरे भटूरे बन के देखिए फ्रेंड बहुत ही आसानी से
रेडी हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर आप लोगों को हमारी थोड़ी सी भी मेहनत अगर फ्रेंड पसंद आ रही हो तो ज़रूर आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड। ये देखिए सारे भटूरे हमारे बनके इस तरह से रेडी हो गए हैं। अब हम सर्व करते हैं अपनी प्लेट को और सर्व करेंगे छोला भटूरा सलाद सब चीज़ को अच्छे से। ये देखिए हमारी प्लेट रेडी हो गई है फ्रेंड, इसमें छोला है और भटूरे भी हैं और उस साइड सलाद भी है फ्रेंड। ये देखिए बहुत ही टेस्टी और लाजवाब भटूरे हमारे बनके रेडी हुए हैं। देखिए फ्रेंड अंदर कितना सॉफ्ट है। और उसके बाद हमको भटूरा लेना है और इस तरह से हमको ये देखिए खाइए फ्रेंड आप लोग।